हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे लीज और लाइसेंस के बीच के डिफरेंस को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार यूपी पीसीएस जे के मेंस में क्वेश्चन बन चुके हैं कि लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है। लीज जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 105 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोलिए टीपीए की, उसके अंदर हमने लीज को कवर किया है। और लाइसेंस जो है ये इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के सेक्शन 52 में कवर किया गया है। तो इसको पहले हम लोग एक आसान सी सरल सी देसी भाषा में इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। लीज जो होता है, जो डिफाइन किया गया है टीपीए के अंदर सेक्शन 105 के अंदर, लीज जो होता है ये एक ट्रांसफर ऑफ राइट होता है। यानी इसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी अचल संपत्ति का इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ अधिकार अपना ट्रांसफर कर देता है। यानी जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी में जो मेरा अधिकार है उसको इस्तेमाल करने का, उसका कुछ अधिकार हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो लीज होती है ये होती है ट्रांसफर ऑफ राइट। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांसफर ऑफ राइट कुछ टाइम के लिए हो सकती है, परपेचुटी के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए हो सकती है, एक्सप्रेस तौर से हो सकती है, इम्प्लाइड तौर से हो सकती है। इसमें प्रीमियम दिया जा सकता है, प्रीमियम यानी एक बार में कोई लमसम अमाउंट दिया जाना, या कोई रेंट हो सकता है कि पीरियोडिकली देना। तो ये लीज होती है। लीज के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। लीज के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, इसको पट्टा भी कहते हैं, जैसे कई कई साल का पट्टा होता है, 99 साल का पट्टा। तो ये लीज इस तरीके से क्रिएट करी जाती है कि किसी को हमने अपनी प्रॉपर्टी दे दिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि 50 साल तक के तुम हमारी इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ अधिकार होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना, ये लीज होता है। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई बाग है, मेरी कोई बाग है जिसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के, आम के। अब मैं उस बाग को आपको दे देता हूं कि आप इस बाग के अंदर, मतलब इस मेरी जो अचल संपत्ति इस बाग में, आप अच्छे से किसानी करिए, फलों को उगाइए, आम के पेड़ को अच्छे से देखभाल करिए, जितना ज्यादा उगा लीजिए, आप बेचिए, सब प्रॉफिट आपका, बस हमें महीने में इतना रेंट आप दे दीजिए या आप हमें इतना प्रीमियम दे दीजिए। अब हमें किसी और चीज से मतलब नहीं है कि आप वहां से कितना फल उगा रहे हैं, कितना फल बेच रहे हैं, आप वहां से किसानी करके कितनी खेती कर रहे हैं उस जमीन पे, क्या क्या बो रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रीमियम या रेंट आप दीजिए, बस हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो अब यहां पे प्रॉपर्टी से आपका इंटरेस्ट जुड़ गया, यानी उस संपत्ति से आपका इंटरेस्ट जुड़ गया ना, कि अगर वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा कमाएंगे, अगर ज्यादा फल पैदा होंगे, ज्यादा फल आप बेच सकेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी से आपका इंटरेस्ट जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, लीज हो गया, अगर ये कुछ टाइम पीरियड के लिए है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी बाग के लिए हम आपको ऑथोराइज कर दें कि जाइए आप मेरी बाग से आम तोड़िए, अमरूद तोड़िए और जाके बेचिए, आप जाके उसको बेचिए, और हम आपके साथ ये एक कोई भी तरीके का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये आप हमसे इतना पैसा लीजिए, आप मेरी बाग से जाइए, इतना तोड़िए, इतना बेचिए, जाके जो पैसा आया आप हमें वापस कर दीजिए, आप अपना तोड़ने का जो खर्च है वो हमसे ये ले लीजिए, या हम आपको ऑथोराइज कर दें कि आप मेरी बाग से जाइए, आम तोड़िए, अमरूद तोड़िए और उसको जाके बेच दीजिए, बस आपका सिर्फ इतना काम है। तो यहां पे हम आपको क्या कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं। यहां पे जमीन में आपका कोई इंटरेस्ट तो जुड़ नहीं रहा है कि उस बाग से इतनी पैदावार होना चाहिए, क्योंकि वो तो फायदा नुकसान मेरा होगा, आपका तो खाली काम है वहां पे जाना, बाग से तोड़ना और ले जाके बेच देना, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितना पैदा हो रहा है, कितना नहीं पैदा हो रहा है, कितनी खेती हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कितना आम बच रहा है, सड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, आपका कोई इंटरेस्ट उससे नहीं जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, लाइसेंस हो गया। ये हमने बहुत सरल सी और देसी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो लीज को हमने बता दिया कि लीज एक पट्टा होता है जो कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। अब लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस के अंदर एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को ऑथोराइज करता है, ऑथोराइज करता है कि उसकी जो संपत्ति है उसके ऊपर वो कोई कार्य करे, या अगर वो कोई कार्य करता चला आ रहा है तो वो उसको कंटिन्यू रखे, तो ये लाइसेंस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देख लेते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, सेक्शन 105 जो लीज डिफाइन करती है, ये कहता है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट। जो हमने बताया कि लीज जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, ये एक ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, ओनरशिप नहीं होता है, ओनरशिप उसी के पास है
जिसकी वो जमीन है, वो सिर्फ कुछ अधिकार को ट्रांसफर कर रहा है। टू इंजॉय सच प्रॉपर्टी, जिसको दे रहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, एक्सप्रेस तौर से, इम्प्लाइड तौर से, और फॉर परपेचुटी, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड, कुछ प्राइस हो सकता है जो प्रॉमिस किया गया है, जो मनी के शक्ल में हो सकता है, क्रॉप्स की शक्ल में हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या एनी अदर थिंग ऑफ वैल्यू रेंडर टू बी पीरियोडिकली, जो कोई या कोई रेंट हो जिसको पीरियोडिकली दिया जा रहा हो, और ऑन अ स्पेसिफाइड ओकेजन टू द ट्रांसफर, या कोई स्पेसिफाइड ओकेजन रख दिया गया हो कि इस तरह के ओकेजन में तुम हमें दोगे, By the transferee, जिसको ट्रांसफर करी गई है, who accept the transfer on such terms, तो ये लीज है जो हमने बताया है, वही सेम चीज बेरैक्ट की लैंग्वेज के अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, लीज इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो लीज एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लाइसेंस क्या कह रहा है, सेक्शन 52 इंडियन ईजमेंट एक्ट, ये कह रहा है वेयर वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर और टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन अ राइट टू डू, अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या और उससे ज्यादा को कोई राइट ग्रांट करता है, एक तरीके से उसको ऑथोराइज कर रहा है, ग्रांट करता है टू डू कि तुम कोई चीज करो या कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के ऊपर कोई कार्य करे या अगर कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करे, ऑफ द ग्रांटर यानी जो ग्रांट कर रहा है, समथिंग विच वुड इन द एब्सेंस ऑफ सच राइट बी अनलॉफुल एंड सच राइट डज नॉट अमाउंट टू एन ईजमेंट और एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब इसका लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 52 की, ये क्या कह रहा है कि जो राइट उसको दे रहा है वो राइट ना तो ईजमेंट है और ना तो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी के अंदर। हमने क्या बताया था कि लाइसेंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है प्रॉपर्टी में, यानी जहां पे हमने आपसे कहा कि आप मेरी बाग से जाइए, फल तोड़िए, आम तोड़िए और अमरूद तोड़िए और ले जाके बेच दिए, सिर्फ इतना काम है, तो यहां पे हम आपको ऑथोराइज कर रहे हैं कि आप मेरी एक राइट दे रहे हैं कि आप मेरी बाग से जाके अमरूद और आम तोड़िए, जाके बेच दिए, बस इतना आपका काम है, आपका इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा है उस जमीन से। तो इसके लास्ट में लास्ट लाइन क्या कह रही है सेक्शन 52 की, एंड सच राइट डज नॉट अमाउंट टू ईजमेंट और एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द राइट इज कॉल्ड अ लाइसेंस। तो अब इसके अंदर मेजर चीजें जो हम लोगों को डिफरेंस की पता चली कि वो क्या, कि लीज के अंदर जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, इसके अंदर जो होता है प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट जुड़ जाता है, लेकिन लाइसेंस के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता है, सिर्फ ऑथोराइज किया जाता है कोई चीज करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर कभी भी डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा लीज और लाइसेंस के ऊपर, तो इस केस को आप जरूर लिखिएगा, इस केस को लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लीज और लाइसेंस के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ होटल्स वर्सेस एसोसिएशन ऑफ होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर एन कपूर, ये 1957 का केस था, एसोसिएशन होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर एन कपूर 1959 का। इसके अंदर बोला गया कि द मेन टेस्ट फॉर सच डिस्टिंक्शन इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इसके अंदर बोला गया कि जो मेन टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा ये देखने के लिए कि क्या ये लीज है या लाइसेंस है, तो वो होगा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे लीज और लाइसेंस की, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं दोनों एक ही जैसी लग रही है। अगर दोनों के अंदर टाइम फिक्स कर दिया जाए, अगर हम किसी को 20 साल के लिए लाइसेंस दे दें अपनी बाग के लिए, और अगर किसी को लीज दे दें 20 साल के लिए, तो दोनों काफी हद तक एक जैसी लग रही है। तो इसके अंदर ये बोला गया कि मेन चीज जो है देखा जाए कि दोनों की इंटेंशन क्या थी, उन दोनों पार्टी की इंटेंशन क्या थी, तो उस मेन इंटेंशन से यह ड्राइव किया जाएगा, ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या ये लीज थी या लाइसेंस था। तो मेन चीज क्या होगी, जो डिसिसिव फैक्टर होगा वो इंटेंशन होगा। दूसरी चीज इसके अंदर यह भी बताया गया, दूसरी चीज कि जो लीज होती है, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि लीज जो होती है उसके अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है, जो व्यक्ति होता है जिसको हम दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ये बोल रहा है कि इफ द डॉक्यूमेंट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अगर जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, इट इज अ लीज, बट इफ इट ओनली परमिट्स अनदर टू यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, बट अगर वो किसी को परमिट कर रहा है प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तब वो लाइसेंस है, जहां पे लीगल पोजेशन जो है उस प्रॉपर्टी का वो रियल ओनर के साथ है, तो ये लाइसेंस है। तो बस सिर्फ लीज और लाइसेंस के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ और जुड़े हुए केस हैं लेकिन उनके अंदर गुल मिला के बात इतनी ही कही गई है कि इसके अंदर जो डिसिसिव फैक्टर होगा वो इंटेंशन होगा। जैसे एक केस था राजवीर कौर वर्सेस एमएस चोकोसरी 1988 का, तो इसके अंदर ये कहा गया कि जो डिसिसिव फैक्टर होगा ये देखने के लिए कि क्या वो लीज है और या लाइसेंस है, तो वो इंटेंशन होगा पार्टी का।